वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास के लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें आप ये सीखने वाले हैं कि हम डाटा को किस तरीके से कैल्क के अंदर एनालाइज करते हैं कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके। वो ऑपरेशंस कौन से हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम करेंगे कि एनालाइज डाटा हम जो करने वाले हैं वो कंसोलिडेट डाटा ऑप्शन की हेल्प से हम किस तरीके से करते हैं, और सब टोटल्स कैसे निकालते हैं, सिनेरियो कैसे बनाते हैं, गोल सीक का फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, और सॉल्वर फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है स्टूडेंट्स, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाले हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है कंसोलिडेट डाटा, ठीक है। अब हम कंसोलिडेट डाटा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये असल में क्या है। तो कंसोलिडेट डाटा होता है एक से अधिक जगह पर फैले डाटा को एक जगह पर संशोधित करने की अनुमति देता है। यदि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो आप इसको समराइज कर सकते हैं, ये टूल बहुत ही उपयोगी है। इसका मतलब ये है कि आपके कैल्क के अंदर यदि शीट्स में अलग अलग डाटा पड़ा हुआ है तो आपने एक ही शीट के अंदर उन तीन शीट्स का डाटा इकट्ठा करना है, मींस कंसोलिडेट करना है, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो आपको मैं ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मैंने पहले से सैंपल डाटा तैयार किया हुआ है, तो वो हम उसकी फाइल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेट है, कंसोलिडेट फाइल ओपन की हुई है। तो यहाँ पर मैंने डाटा लिखा हुआ है, एंटर किया हुआ है मंथ वाइज कि हम ये जो रीजन वाइज हमने प्रोडक्ट है वो हमने सेल किए हुए हैं कि रमन ने इतने हरियाणा के अंदर सेल किए हैं, पंजाब के अंदर इतने हैं, हिमाचल के अंदर इतने हैं, या फिर राजस्थान के अंदर इतने हैं। टोटल मींस रमन ने इतने सेल कर चुके हैं, श्याम ने इतने सेल किए हैं। तो अब हम इसका कंसोलिडेट करना चाहते हैं कि फरवरी में उसने इतने किए हैं या मार्च में उसने इतने किए। अब तीनों मंथ का हमने डाटा कंसोलिडेट करना है कि रमन ने हरियाणा के अंदर टोटल प्रोडक्ट कितने सेल किए हैं, तो वो हम शीट फॉर्म में उसका आउटपुट लेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंसोलिडेट फंक्शन। तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा डाटा मेन्यू में। डाटा मेन्यू में जा करके यहाँ पर आपने कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपके सबसे पहले ये पूछ रहा है कि फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है इस पर। तो हमने यहाँ पर सम आ रहा है, तो आप यहाँ से कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यदि मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो मैक्स निकाल सकते हैं, मिनिमम निकालना है मिनिमम, प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल सम का ही यूज़ करेंगे। तो सम के लिए आपको उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कंसोलिडेशन रेंज कि आप किसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं वो रेंज आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी मैं जहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही ब्लैंक होगा। तो अब आपने करना क्या है कि आपने रेंज सेलेक्ट करनी है अलग अलग मंथ वाइज, जैसा कि मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें आपने रेंज सेलेक्ट करनी है इस ऑप्शन में, तो आपने माउस की हेल्प से करनी है। वो आपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है जनवरी मंथ की, ठीक है, यहाँ पर उसकी रेंज आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर ऐड करना है। ये आपका जनवरी मंथ का यहाँ पर कंसोलिडेट यहाँ पर जो रेंज है वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं करना चाहता हूँ फरवरी मंथ का, मीन्स हमें तीनों मंथ का ही हमें यहाँ पर डाटा ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फरवरी मंथ का यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद फिर आपने ऐड पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जनवरी और फरवरी टू मंथ्स का हो चुका है। अभी हम मार्च मंथ का करते हैं, तो मार्च का मंथ का भी आपने इस तरीके से ही करना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड पर क्लिक करना है। ये हमारे पास जो कंसोलिडेट जो रेंज है वो हमने जनवरी फरवरी और मार्च तीनों मंथ्स की जहाँ पर ऐड कर दी है। और हम आउटपुट किस में लेना चाहते हैं, तो वो हम आउटपुट शीट फॉर में लेंगे। तो उसके लिए ये कॉपी रिजल्ट टू है, इस जहाँ पर इस बॉक्स में आपका यहाँ पर रेंज आएगी। तो हम शीट फॉर में चलते हैं। शीट फॉर में हमें इस वाले सेल के अंदर चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब नीचे चलते हैं ऑप्शन के अंदर कि हमें उसका रो लेवल भी चाहिए या कॉलम लेवल चाहिए, तो वो हमें चाहिए उसके लिए। तो हम जहाँ से इस पर क्लिक करना है और कॉलम लेवल पर भी क्लिक कर लेना है। लिंक टू सोर्स डाटा का मतलब ये है कि यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि आप जनवरी मंथ में कुछ डाटा को अपडेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा यदि आपका यहाँ पर चेकबॉक्स लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर भी चेकबॉक्स लगा देता हूँ। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ये देखिए अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, टोटल हो चुका है तीनों मंथ्स का टोटल हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च का। जैसा कि हम आपको दिखा देता हूँ, जनवरी में इनका 1200 था, फरवरी में भी 1200 था, उसके बाद मार्च में भी 1200 था। तो शीट फॉर में उसका क्या है, 3600 आ गया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल्स निकाल सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपने आप ये सम कर देगा। अभी हमने एक ही फंक्शन को परफॉर्म किया था सम को, तो आप चाहे कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, डाटा के अंदर जाना है, उसके बाद आपने कंसोलिडेट पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर फंक्शंस हैं बहुत सारे, तो आप इस किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक करके बता दिया, आप कोई भी फंक्शन यूज़ करके इसका आउटपुट ले सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कंसोलिडेट फंक्शन, कंसोलिडेट ऑप्शन इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो है सब टोटल्स। तो सब टोटल का हम जान लेते हैं सबसे पहले कि सब टोटल असल में क्या है। तो सब टोटल का मतलब ये है कि एक्सेल के अंदर आप सब टोटल दो तरीकों से कर सकते हैं, एक सब टोटल फंक्शन है, दूसरा है सब टोटल टूल्स। तो इसमें हम सब टोटल टूल्स की हेल्प से हम करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर एक नाम से कई रिकॉर्ड होते हैं, तो वह फाइनेंशियल एक्टिविटी से संबंधित हो। और जैसे कि एक कंपनी में कई सेल्समैन को कई आइटम अलग अलग जगह पर बेचना है, तो वहाँ पर आपको हर सेल्समैन का क्या होता है, ग्रांड टोटल और टोटल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करें। इस फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है सब टोटल के लिए, अब हम उसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि ये फाइल ओपन हो चुकी है, मैंने यहाँ पर सैंपल डाटा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद कैटेगरीज है, यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि कौन से रीजन के अंदर कितनी क्वांटिटीज हमने सेल की है। अकेली दिल्ली के अंदर है वो हम क्वांटिटीज निकालना चाहते हैं, उसका सम निकालना चाहते हैं कि कितनी सेल्स हुई हैं, उसके लिए हम सब टोटल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक तो हम सिंपल टोटल का यूज़ करते हैं, तो अभी हम सब टोटल का यूज़ करेंगे कैटेगरी वाइज, कि हम कैटेगरी वाइज कोई भी किसी का सम निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं कि ओनली दिल्ली का हमने सम करना है कि कितने सेल किए हैं, कितनी क्वांटिटी सेल की हैं। एक बात और, सबसे पहले सब टोटल निकालने के लिए आपको सॉर्ट करना जरूरी है, फिर ही आप सब टोटल का अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम उसको पहले, तो इसके पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, पूरे फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है डाटा मेन्यू में, सॉर्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, सॉर्ट किसका करना चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम का या फिर कैटेगरीज का, रीजंस का, क्वांटिटी का, अपने क्वांटिटी का करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, अब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर क्वांटिटी का सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हम जो ऑप्शन करने वाले हैं वो है सब टोटल्स की। सब टोटल के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर डाटा मेन्यू में, उसके बाद सब टोटल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सब टोटल पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको यहाँ पर चार टैब्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप एंड ऑप्शंस। आपने फर्स्ट ग्रुप में आना है, उसके बाद ग्रुप बाई मींस आप किसको ग्रुप करना चाहते हैं, कौन से कॉलम्स को आप ग्रुप करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर रीजन वाइज मींस निकालना है कि अकेले दिल्ली या अकेले मुंबई के अंदर कितनी क्वांटिटीज हमने सेल की हैं, तो वो हम निकालना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसका आपने, कौन से फील्ड को आप सम निकालना चाहते हैं। मैंने क्वांटिटी का निकालना है तो आप क्वांटिटी पर क्लिक कर दिया। उसके बाद फंक्शंस कौन सा यूज़ करना है, अभी हम सम का करेंगे, आप चाहे कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मींस हम सम करना चाहते हैं कि टोटल कितनी क्वांटिटीज हुई हैं, तो आपने सम पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अब क्या हुआ है, ओनली दिल्ली रीजंस का, अलग अलग रीजंस का यहाँ पर सम हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है दिल्ली सम। ये देखिए यहाँ पर 4460 मींस यहाँ पर ओनली दिल्ली में हमने क्वांटिटी है वो सेल की हुई है। उसके बाद कलकत्ता के अंदर जहाँ पर 5500 है, जैसा मुंबई के अंदर इतनी है, ग्रांड समिट का टोटल है। ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमने कर लिया है कि दिल्ली में टोटल कितनी क्वांटिटीज हमने सेल की है। इस तरीके से आप और भी यदि सब टोटल निकालना चाहते हैं तो आपने वही ऑप्शन चूज़ करना है, डाटा के अंदर जाना है, सब टोटल का क्लिक करना है, उसके बाद आप सेकेंड ग्रुप लगा सकते हैं कि हमें कैटेगरी वाइज या प्रोडक्ट वाइज हमें चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। मींस हमें यहाँ पर ग्रुप करना है, किसको करना है, रीजन कर सकते हैं या प्रोडक्ट नेम को कर सकते हैं, कि हमने प्रोडक्ट नेम वाइज देखना है कि कितनी क्वांटिटीज है। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट नेम चूज़ करी कीजिए और उसके बाद आप क्वांटिटी चूज़ कीजिए। ठीक है, इसका भी हमने सम करना है तो आपने इस पर क्लिक करके ओके करना है। ये देखिए अभी हमें ये भी सम कर दिया है कि डेस्कटॉप का टोटल सम कितना है, 100 है। मींस डेस्कटॉप जो टोटल कितना क्वांटिटी हमने सेल की है वो 100 है, मींस दिल्ली के अंदर है। उसके बाद कीबोर्ड के कितने हैं, 500 है, वो भी दिल्ली के अंदर है। लैपटॉप के कितने हैं, ये सभी का सम हमने प्रोडक्ट नेम पर जो हमने लगाया था टोटल, वो उसका निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर
जीन्स का है, कुर्ताज का है एंड मेंस टी शर्ट का है, सभी का यहाँ पर टोटल निकाल के हमें दे दिया है। इस तरीके से आप किसी भी फील्ड का पर्टिकुलर कॉलम वाइज आप सब टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा सब टोटल। उसके बाद नेक्स्ट जो करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है सिनेरियो। सिनेरियो को हम बट इफ भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या हो अगर किसी सिचुएशन में हम इनपुट देते हैं तो उसका फाइनल आउटपुट के अंदर क्या डिफरेंसेज आएगा। ठीक है, मींस सिनेरियो के लिए हम एक सिनेरियो अलग से नाम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग जो हमने वैल्यूज को सेट को स्विच कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल ओपन की हुई है सिनेरियो की, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है मंथली वाइज मींस हमारा एक्सपेंसिव या जो हमारा जैसा कि जन मंथ में हमारा जो एक्सपेंसिव है वो इतना हो रहा है, फरवरी मंथ में जो एक्सपेंसिव है वो चेंज हो गया है। अब हम उसका सिनेरियो बनाना चाहते हैं कि हमारा जो जनवरी मंथ में वो हाउस रेंट इतना दे रहे हैं, बिल्स का इतना एक्सपेंसिव है 5000 है, ट्रांसपोर्ट का हम इतना दे रहे हैं, सेविंग हम इतनी कर रहे हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसिज अब इतना हो रहा है, टोटल हम इतना एक्सपेंसिज हमारा जनवरी मंथ में हो रहा है, तो इसका हम सिनेरियो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना है उसको, उसके बाद आपने टूल्स मेनू में जाना है, टूल्स मेनू में जा करके यहाँ पर सिनेरियो ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नेम ऑफ सिनेरियो देना है कि आपने इसका नेम क्या देना है सिनेरियो का, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि ये जन मंथ का एक्सपेंसिज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कमेंट देना चाहे तो कमेंट दे सकते हैं किस चीज़ का ये एक्सपेंसेज है, मान लो मैं यहाँ पर होम एक्सपेंसेज लिख दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो चेकबॉक्स है जो दोनों आपने हटा देने हैं, उसके बाद जो कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कलर दे दिया ग्रीन, उसके बाद आपने ओके करना है। ये देखिए एक हमारा सिनेरियो वो बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से जेन एक्सपेंसेस के नाम से। अभी हम यहाँ पर कुछ डाटा को मीन्स चेंज करेंगे, मींस जो फरवरी मंथ का है फॉर एग्जांपल, जहां पर फरवरी मंथ का यहां पर चेंज कर रहे हैं कि हमारा जो हाउस रेंट है वो बढ़ गया है, यहां पर मैंने 15000 कर दिया, उसके बाद बिल्स है वो हम यहां पर कर देते हैं 5500, उसके बाद ट्रांसपोर्ट यहां पर 2500 कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट यहां पर इतनी रहने दे, ग्रोसरी का मींस हमारा जो एक्सपेंसिव है वो इतना हो गया है, सेविंग अब हम यहां पर कर रहे हैं 4500, उसके बाद मिसलेनियस हम यहाँ पर कर देते हैं 2000, मींस हमारा जो फरवरी मंथ का है वो हमारा इतना एक्सपेंसिव हो गया। अब हम इसका सिनेरियो बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना है वैल्यूज़ को, उसके बाद फिर आपने टूल्स मेनू में जाना है, फिर आपने सिनेरियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने उसका नेम दे देना है, जहाँ पर जैसे कि मैंने दे दिया ये फैब का एक्सपेंसिज है। ठीक है, उसके बाद यदि आप कमेंट देना चाहते हो यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं, उसके बाद चेकबॉक्स यहाँ से हटा दीजिए, उसके बाद कलर इसका मैं अलग से डिफरेंट कर देता हूँ, कलर कोई और कर देता हूँ, मान लो मैंने रेड कर दिया, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने दो सिनेरियो यहाँ पर एंटर किए हुए हैं, अभी मैं यहाँ पर कितने भी सिनेरियो बना सकता हूँ मंथ वाइज, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मैंने जैन मंथ का सिलेक्ट किया, ये जैन मंथ का यहाँ पर हमारा सिनेरियो आ गया है, मींस वो वैल्यूज़ हमें शो कर रहा है, फेब मंथ का सिलेक्ट किया तो फेब मंथ का आ रहा है। इस तरीके से आप कितने भी यहाँ पर सिनेरियो ऐड कर सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, इस तरीके से सिनेरियो काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वो है गोल सीक। गोल सीक में गोल सीक का मतलब क्या है, गोल सीक होता है सेल में लगे फॉर्मूला कि किसी सेल वैल्यू को बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मींस आप किसी इनपुट वैल्यू को चेंज करना चाहते हो अपने आप कि हमने आउटपुट में चेंज करना है और इनपुट में अपने आप चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम गोल सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, गोल सीक के लिए मैंने अलग से फाइल बनाई हुई है तो उसको मैंने ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गोल सीक फंक्शन वाली फाइल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है उसको हम यहाँ पर बेच रहे हैं इतने में और हमें प्रॉफिट हो रहा है इतने में और जो परसेंटेज प्रॉफिट की हो रही है वो इतना हो रहा है। ठीक है, सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है इक्वल टू, हमने B3 को डिवाइड करना है B1 से, B3 वैल्यू कौन सी हमारी प्रॉफिट है, हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है, उसके बाद डिवाइड करना है हमने कॉस्ट प्राइस को, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के लिए। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, गोल सीक फंक्शन का यूज़ करना है। गोल सीक का मतलब ये है कि हमें मान लो हमें प्रॉफिट चाहिए 10% और अपने आप जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए,
यहाँ पर जो इनपुट हमने वैल्यू दी हुई है वो अपने आप चेंज हो जाए, तो किस वैल्यू में चेंज आई वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, गोल सीक की हेल्प से करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स मेन्यू में, यहाँ पर गोल सीक नाम का फंक्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला सेल है कि आप कौन से फॉर्मूला सेल किस पर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इस पर ही लगाना चाहता हूँ, B4 पर। उसके बाद है यहाँ पर टारगेट वैल्यू कि आप कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू है जो आप टारगेट करना चाहते हैं। मीन यहाँ पर मैंने 10% कर दिया कि मैं यहाँ पर 10% करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो वैल्यू आप जिस सेल को आप चेंज करना चाहते हैं वो कौन सी सेल है, वेरिएबल सेल कि कौन सी सेल पे चेंज हो जाए कि हमारा जो परसेंटेज है वो 10% हो जाए। तो मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस करता हूँ, कॉस्ट प्राइस तो उतनी ही है, मीन्स हम मैं उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा कि हमारा वो परसेंटेज है वो देखते हैं कि गोल सीक की हेल्प से कितना हो जाता है। यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस पर यहाँ पर वेरिएबल सेल का जो रेंज दे दी है, उसके बाद मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो चुका है कि गोल सीक सक्सीडेड, मीन यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर रिजल्ट कितना है 16,500 कि उसने अपने आप सेलिंग प्राइस कितनी कर दी, 16,500 हो जाएगी। इंसर्ट द रिजल्ट इनटू वेरिएबल सेल कि आप यहां पर करना चाहते हैं या नहीं, यदि मैंने यस किया तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में जो है वैल्यू वो है 16,500 हो जाएगी, जो हमारा प्रॉफिट है वो अपने आप 10% हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 10% किया, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो अपने आप ये इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 10% हो और उसके बाद जो वैल्यू चेंज हो वो सेलिंग प्राइस में हो। इस तरीके से हम गोल सीक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं, यदि आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो सॉल्वर, सॉल्वर ऑप्शन भी बहुत काम आता है। सॉल्वर का मतलब क्या है कि सॉल्वर आपको गोल प्राप्त करने के तरीकों से कई अननोन वेरिएबल के साथ इक्वेशंस को हल करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करके देते हैं कि सॉल्वर का कैसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्वर्स नाम के मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनाई हुई है। जैसा कि ये फाइल मैंने ओपन की कर ली है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेन का मैंने यहाँ पर कॉस्ट लिखी हुई है कि हम पेन पर यहाँ पर करना चाहते हैं सॉल्वर ऑप्शन का यूज़, कि जो पेन की कीमत है वो है 5 रुपये, और उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है उसका मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ, और उसकी क्वान्टिटी है जो 2000 है, मीन्स 2000 हमने क्वान्टिटी हमने सेल की है। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमारी सेटअप की कॉस्ट लगी है वो 5000 है, और जो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 9000 का हो रहा है, और प्रॉफिट पर यूनिट के हिसाब से हमें 4.5 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉफिट पर भी फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपने। मींस आपने V2 सेल कौन सी है, सेलिंग प्राइस की है, उसको आपने माइनस करना है B1 से, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट माइनस होती है सेलिंग प्राइस में से। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है B3 को, मींस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको जो माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट लगी है उसको आपने माइनस कर देना, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। उसके बाद यदि पर यूनिट के हिसाब से आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, तो आपने जो प्रॉफिट टोटल निकालना है उसको डिवाइड करना है, आपने किससे डिवाइड करना है, क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो पर यूनिट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्वर फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 15,000 या 20,000 हो जाए, उसके लिए क्या चेंज हो, वो अपने आप चेंज करेगा सॉल्वर फंक्शन। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं, जहाँ पर जो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसा कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 से कम ना हो, और जिसकी मैक्सिमम है वो 20 से ज़्यादा ना हो, इसका सेलिंग प्राइस है वो 20 से ज़्यादा ना हो, और इसकी जो कॉस्ट है वो 3 से कम ना हो। ठीक है, अब इसमें मैं प्रॉफिट 15,000 यदि चाहता हूँ तो मुझे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में अपने आप कितना वो चेंजिंग हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए करते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स मेनू में, टूल्स मेनू में जा करके यहाँ पर आपने सॉल्वर फंक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, टारगेट सेल कि आप कौन सी टारगेट सेल पर चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने प्रॉफिट को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करना है कि कौन सी मीन्स आप रिजल्ट कितना चाहते हैं, मैक्सिमम चाहते हैं, मिनिमम चाहते हैं या फिर आप वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जहां पर मैं 15,000 प्रॉफिट चाहता हूं तो उसके लिए आपको जहां पर 15,000 एंटर कर दीजिए, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल कि आप कौन सी सेल में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉस्ट और सेलिंग प्राइस इसमें चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर रेंज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि आपने कॉस्ट जो आपने सेलेक्ट की है चेंजिंग सेल पर उस पर क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेल रेफरेंस दे देता हूँ कॉस्ट प्राइस का, यहाँ पर मैंने इंटर किया, क्लिक किया, सेल में हमने कॉस्ट एंटर किया था, वो वाली सेल रेफरेंस सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगानी है, यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये 3 से कम ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैक्सिमम 3 कर दूँगा कि 3 से कम ना हो, ठीक है, 3 से ज़्यादा ही रहे। उसके बाद जो सेकंड पर है सेलिंग प्राइस 12 है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस सेल वैल्यू पर, तो ये सेल वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर इस पर ऑपरेटर लगाना चाहते हैं कि ये मिनिमम मीन्स जो मैक्सिमम है वो 20 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, यहाँ पर मैं 20 लिख दूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्वर पर क्लिक करना है, सॉल्व पर क्लिक करके ही यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये रिजल्ट सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा, सॉल्विंग कर देगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 15,000 है। यदि आप 15,000 प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको कॉस्ट है जो वो आपकी 3 होगी और जो सेलिंग प्राइस है वो 13 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर अपने ऑटोमेटिक ही ये चेंज करेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज कर देगा ये, ठीक है। यदि आप रखना चाहते हैं तो आपने कीप रिजल्ट पर क्लिक करना है, यदि आप उसको वापस उसी पोजीशन पर लेके आना है तो आपने रीस्टोर कर देना है, ठीक है। अभी मैं मान लो आपको चेंज करके बताता हूँ कुछ और वैल्यूज़, जैसा कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर 20,000 हो जाए, ठीक है। अभी फिर आपने क्लिक करना है सोलो पर, ये देखिए अभी मैंने सोलो पर क्लिक किया तो ये जो मेरा प्रॉफिट है वो 20,000 हो चुका है, ये अपने आप दोनों में चेंज हो चुका है, 3 और यहाँ पर 15.5। यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है कि ये 20 से ज़्यादा ना हो और ये मिनिमम मीन 3 से कम ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये यहाँ पर 3 ऑप्शंस थे, मैक्सिमम, मिनिमम। यदि मैं यहाँ पर मैक्सिमम करता हूँ कि मैक्सिमम मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम पर क्लिक करना है, उसके बाद सोलो पर क्लिक करना है। इसका ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा कि मुझे 29,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, उसके लिए क्या है कॉस्ट 3 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 20 है, क्योंकि इस पर मैंने कंडीशन लगा ली है कि 20 से ज़्यादा ना हो, इसलिए उसने मैक्सिमम यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं एक से ज़्यादा वैल्यू को चेंज करूँ तो आप एक से ज़्यादा वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, बस आपने चेंजिंग सेल में उतनी सेल्स को सिलेक्ट करना है कि आप क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से भी आपका जो है वो आपका प्रॉफिट बदल सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से आप सॉल्वर का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंडीशंस लगानी पड़ती हैं बस। इस तरीके से आप सॉल्वर ऑप्शन का यूज़ करना है कंडीशन लगा करके। जैसा कि स्टूडेंट्स आज आपने सीख लिया है कि हम किस तरीके से डाटा को कंसोलिडेट करते हैं और किस तरीके से हम डाटा का सब टोटल कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं सब टोटल करके, उसके बाद किस तरीके से गोल सीक का यूज़ करते हैं, सिनेरियो का किस तरीके से प्रयोग करते हैं और सॉल्वर का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, आज हमने इस वीडियो के अंदर एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और एक बार में यदि वीडियो ना समझ में आए तो अपने वीडियो को दोबारा से देखना है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा एक एक फंक्शन, तो आपके लिए ये करना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं ये। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपको कोई क्यूरीज है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।